हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो एंड वीडियोस को कैसे आप हाइड कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को हाइड कैसे करें और कैसे आप छिपा सकते हैं फ़ोटो वीडियोस को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको फ़ाइल ऑप्शंस पे जाना है। तो फाइल ऑप्शंस पे जाते हैं तो जो भी फ़ोटोज़ को आप हाइड करना चाहते हैं फिर छिपाना चाहते हैं तो छिपा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कोई भी एक प्राइवेट फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है जिसको छिपाना चाहते हैं फिर हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया, थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है कुछ इस तरीके से। तो जो भी फ़ोटोज़ होंगी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगी और छिप जाएंगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे आप बैक करते हैं तो आप वीडियो भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ से कोई वीडियो हाइड करना चाहें या फिर इनको शो करना चाहें तो सेव फोल्डर पे जाकर पैटर्न डाल देना है। और जो भी आप पैटर्न का यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो जो भी आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ से हाइड हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं और आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। किसी भी फ़ोटोज़ को आप डिलीट भी कर सकते हैं करना चाहते हैं, या फिर इनको वापस स्क्रीन पे शो करना चाहें तो मूव आउट करके स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं, या फिर इनको देखना शो करना चाहें तो शो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोज़ को हाइड कर सकते हैं, आप शो भी कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे।